दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें कितनी वाइंडिंग होती है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए ये चेन कुकी रहती है और ये चैनल रहती है, वो चैनल चैनल ये रहे सामने, इसको लगाते हैं, इसको उठाना है, गाड़ी में चढ़ाना है तो इसे चढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रहता है दोस्तों कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर में, और ये आयल इसमें से डालते हैं दोस्तों, जाता है इसमें आयल डालते हैं, ठीक है। ये एच टी बुशिंग है दोस्तों, इसमें ये दोस्तों एल टी बुशिंग है, ये कंजर्वेटर है दोस्तों, अपन देखते हैं तेल का गेज कितना रखना है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। उसको दोस्तों ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वह होती है जिसको अपन नोक से जोड़ते हैं, हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग वह होती है जिसे हम लूज से जोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इंडक्शन का अस्तित्व केवल एसी परिपथ में होता है दोस्तों। और अगर इसे डीसी से अपन कनेक्ट करेंगे तो इसकी वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि इसमें धारा का मान कम होगा और रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा, इसलिए वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।